कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 5 लोकवित्त पर। ठीक है, चलिए CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहां पर शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के आप हमारे CGPSC ई पाठशाला छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे बुक को हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से ही मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन की बुक भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 5 लोकवित्त। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्याय 5 लोकवित्त में हम सरकार के पिछले साल के बजट के संशोधित आंकड़ों को पढ़ते हैं। पिछले साल का बजट जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना। देखिए, इस साल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 पेश किया गया, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत लोकवित्त वाले टॉपिक में हम पिछले साल का बजट 2022-23 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस साल कौन सा बजट पेश किया, 2023-24 का बजट पेश किया है। इसे हम पहले इसका एक वीडियो बना करके छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट बजट का हमने सारा आंकड़ा कवर कर लिया है। लेकिन इस आपके अध्याय 5 लोकवित्त वाले टॉपिक में हम सरकार के पिछले साल के बजट के संशोधित आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, संशोधित रिवाइज्ड डाटा को पढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार जब कभी भी कोई भी बजट पेश करती है, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने इस साल छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 पेश किया, तो छत्तीसगढ़ ने इस 2023-24 के बजट में अपने आगामी वर्ष में होने वाले खर्चों का एक अनुमानित आंकड़ा दिया है। कैसा आंकड़ा दिया है? अनुमानित आंकड़ा, यानी कि सरकार ने यह अनुमान लगाया कि हमारी सरकार को चलाने में, राज्य को चलाने में इस आगामी वर्ष में इतनी राशि खर्च होने का अनुमान है। लेकिन सरकार ने खर्च नहीं किया है, एक अनुमान लगाया है कि इस एक साल के दौरान राज्य को चलाने के लिए इतनी राशि खर्च होगी 2023-24 के बजट में। लेकिन एग्जैक्ट डाटा कब पता चलेगा? जब सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा और सरकार उस राशि को खर्च कर लेगी, तब सरकार के पास आपका आंकड़ा आएगा कि सरकार ने एक्चुअली में वास्तविक तौर पर कितनी राशि खर्च करी। वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल बजट लाया था, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022-23, जिसमें सरकार ने अगले एक साल में सरकार चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए अपने अनुमानित खर्चों को बताया था। और एक साल पूरा होने के बाद नए बजट के आने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ सरकार अपने पिछले बजट के संशोधित आंकड़े, वास्तविक आंकड़े, एग्जैक्ट डाटा को इस लोकवित्त के जरिए से बताती है। जैसे कि इस साल का जो बजट पेश किया छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023-24 का बजट है, अगले साल की इकोनॉमिक सर्वे में इसका रिवाइज्ड डाटा पेश करेगी, जिसमें वास्तविक आंकड़ा रहेगा, यानी कि सरकार ने जो अपना अनुमान बताया था उस अनुमान के आधार पर सरकार के वास्तविक खर्चे कितने रहे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 5 के अंतर्गत हम सरकार के पिछले साल के बजट के संशोधित आंकड़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है, उस फ्लो डायग्राम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ना फ्लो डायग्राम में आपको अक्षर थोड़े से छोटे छोटे लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड पर सारे चीजों को एक साथ एक ही जगह प्रेजेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अक्षर थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप YouTube के वीडियो क्वालिटी को जाकर के 720 पिक्सल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको अक्षर थोड़े से स्पष्ट नजर आएंगे बोर्ड पर लिखे हुए। ठीक है, YouTube की वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पर सेट कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी कंटेंट है आपको स्पष्ट नजर आएंगे। वैसे ये जितने भी फ्लो चार्ट है, जितने भी कंटेंट हमारे इस बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे हमारे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ही डाटा है, उसी को हम अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, वहां से आप बुक से पढ़ सकते हैं, तो बुक में भी सारी चीजें एज इट इज दी हुई है, उससे भी कवर कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो से कवर कर रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी को 720 पिक्सल पर कर लीजिए, तभी आपको यहां पे लिखी हुई चीजें स्पष्ट तौर से नजर आएगी। ठीक, चलिए देखिए, बजट 2022-23, बजट क्या होता है? बजट सरकार के आय और व्यय, सरकार के आय और व्यय के
लेखा जोखा, लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। सरकार की आय और व्यय के लेखा जोखा को, हिसाब किताब को बजट कहते हैं। यानी कि सरकार को किन किन क्षेत्रों से कितनी राशि आई है और सरकार के पास जो राशि आई है उसे सरकार ने किन किन क्षेत्रों में खर्चा किया है, इसके लेखा जोखा को ही बजट कहा जाता है। आय यानी कि होता है प्राप्तियां, सरकार को होने वाली प्राप्तियां। व्यय का मतलब यह है आपका व्यय। तो बजट क्या है? सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। इस अध्याय पांच के अंतर्गत हम सरकार के पिछले साल के बजट के संशोधित आंकड़ों को पढ़ेंगे। देखिए, इस बजट 2022-23 के अंतर्गत सरकार को कुल 104,025 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, सरकार की आय हुई। सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 104,025 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जबकि सरकार का व्यय हुआ 104,003 करोड़ रुपए। इनकम कितनी हुई? 104,025 करोड़ रुपए। व्यय कितना हुआ? 104,003 करोड़ रुपए। यानी कि आय ज्यादा रही और व्यय कम रहा, क्योंकि यहां कितना है 0.25 और यहां कितना है 0.03 करोड़ रुपए। ठीक, अब देखिए सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं, इस प्राप्तियों को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है राजस्व प्राप्ति और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। वैसे ही सरकार की व्यय को आगे क्लासिफाइड किया जाता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है आपका पूंजीगत व्यय। अब मैं यहां पर बोर्ड में कुछ वर्ड लिख रहा हूं, उस वर्ड पर थोड़ा सा मेन ध्यान देना। एक होता है आपका वित्तीय देनदारियां, वित्तीय देनदारियां। एक होता है आपका परिसंपत्ति, परिसंपत्ति। और एक होता है आपकी उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है, ये यहां पे जो हमने क्लासिफाइड किया है राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इसे हम इन तीन वर्ड के, इन तीन शब्दों के डेफिनेशन, इन तीन शब्दों को लेकर के इसके डेफिनेशन समझेंगे। ध्यान समझना, राजस्व आय क्या होता है, यानी कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? सरकार के द्वारा सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार के न तो वित्तीय देनदारियों में और न ही परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है। चलो इसको थोड़ा सा इसे डेफिनेशन में समझने से पहले आपको इस वर्ड के मायने बता देता हूं। वित्तीय देनदारी का मतलब पैसों का लेन देन, वित्तीय देनदारियों का मतलब पैसों का लेन देन, पैसे दिए गए, पैसे वापस लिए गए, वित्तीय देनदारियां। परिसंपत्ति यानी कि इसे आप संपत्ति समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, एसेट समझ सकते हैं। और एक होता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक खाली पड़ी हुई जमीन है, लैंड एरिया है, वो क्या होगा? वो आपकी प्रॉपर्टी होगी, वो आपकी एसेट होगी। क्या होगी? आपकी परिसंपत्ति होगी। अब आपने क्या किया, आपके पास जो खाली पड़ी हुई जमीन थी उसमें आपने एक मकान तैयार कर दिया, एक मकान बना दिया, मकान बना करके उसमें 10 कमरे बना दिए और दसों के दसों कमरों को आपने किराए पे चढ़ा दिया। तो आपकी परिसंपत्ति जैसी की वैसी है, उसमें आपने 10 कमरों का एक बिल्डिंग बना दिया और सबको किराए पे चढ़ा दिया और सबसे किराया ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? आपकी परिसंपत्ति से आय जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। आपकी परिसंपत्ति आपको उत्पादन करके दे रही है, तो वो कहलाता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक, तो राजस्व प्राप्ति क्या होती है? राजस्व प्राप्ति सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे न तो सरकार के वित्तीय देनदारियों पर और न ही उनके परिसंपत्तियों पर कोई भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे न तो सरकार के वित्तीय देनदारियों पर और न ही उनकी परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए जब आप पहले छोटे थे, बचपन के समय, आपके घर में कोई मेहमान आए कुछ टाइम पे बैठे और जाने के समय उस मेहमान ने आपको अपने जेब से निकाल करके, बच्चे थे आप, तो आपको 100 रुपए दे दी। आपने उस 100 रुपए को लेकर के अपने जेब में रख लिया। ठीक है, जेब में रख लिया। अब ये 100 रुपए किसका है? ये 100 रुपए आपका अपना है। अब जो मेहमान ने आपके 100 रुपए दिया,
तो वो मेहमान ने ऐसा कोई शर्त रखा क्या कि बच्चे मैं तेरे को 100 रुपए दे रहा हूं, तुम अगले बार जब मैं तेरे यहां आऊंगा अगले महीने तब मुझे पैसा वापस कर देना, ऐसा कोई मेहमान शर्त रखता है क्या? नहीं रखता है। जाने के टाइम पे अपनी स्वेच्छा से उस मेहमान ने बच्चे को पैसे दे दिए, बच्चे ने उस पैसे को अपने पास रख लिया। तो यहां पर वित्तीय देनदारी हो रही है क्या? यानी कि ये पैसा जो बच्चे को मिला है, बच्चे उस पैसे को वापस मेहमान को लौटाएगा क्या? नहीं लौटाएगा। तो यहां पर वित्तीय देनदारी समाप्त हो गई, मेहमान ने पैसा दिया हमने रख लिया। अगर इस पैसे को वापस लौटाना होता तो यहां पर वित्तीय देनदारी बनती, लेकिन पैसे को नहीं लौटाया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर वित्तीय देनदारियां रुक गई, वित्तीय देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही किसी परिसंपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्ति पर, जैसे कि मेहमान ने आपको निकाल करके 100 रुपए का नोट दिया, तो उसके बदले में मेहमान को आप कुछ दे रहे हैं क्या? कोई सामान, कोई वस्तु दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी परिसंपत्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह है आपका राजस्व प्राप्ति। सरकार को प्राप्त होने वाली, जो बच्चा है उसको सरकार समझ लीजिए, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे ना तो वित्तीय देनदारियों पर कोई प्रभाव पड़ता है क्योंकि वित्तीय देनदारी रुक गई, और ना ही परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चे ने अपने जेब से निकाल करके कोई सामान तो दिया नहीं मेहमान को। तो यह कहलाता है आपका राजस्व प्राप्ति। सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे ना तो वित्तीय देनदारियों पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, राजस्व प्राप्ति कहलाता है। पूंजीगत प्राप्ति, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। ध्यान समझते हुए चलना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, राजस्व प्राप्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूंजीगत प्राप्ति, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे सरकार की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसका एग्जाम्पल जो दे रहा हूं ध्यान समझना। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में आप गए, आप कोई टीवी लेने के लिए गए, अब आपके जेब में था 40,000। मार्केट में आप टीवी देखने के लिए गए शोरूम में, वहां पर आपको एक टीवी पसंद आ गया जो कि 50,000 का था, लेकिन आपके जेब में कितना है? 40,000। लेकिन आपको टीवी खरीदना 50,000 का, आप अपने साथ एक दोस्त को लेकर के गए थे। अब आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए उधारी ले लिया उस 50,000 की टीवी को खरीदने के लिए, क्योंकि आपके पास 40,000 थे, 10,000 कम पड़ रहे थे। अपने दोस्त से आपने 10,000 रुपए उधार ले लिया इस शर्त पे कि अगले एक महीने के बाद मैं तुझे 10 का 11,000 रुपए दूंगा, 10% ब्याज के साथ तेरे को 10 का 11,000 रुपए वापस करूंगा, लेकिन मुझे अभी ये 50,000 की टीवी लेनी है। तो इससे क्या हुआ? आपने अपने दोस्त से जो पैसा लिया उस पैसे को आपको वापस भी लौटाना है, पैसों का लेन देन हुआ, यानी कि वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हुई और परिसंपत्तियों में कमी। परिसंपत्ति में कमी यानी कि 10,000 रुपए आपने तो लिया, लेकिन इसके एवज में 10 के बदले आप 11,000 रुपए लौटाएंगे ऐसा वादा किया 10% ब्याज के साथ, ठीक है, 10 का 11,000 रुपए लौटाएंगे बोले। तो इससे क्या हुआ? आपके जेब से 1,000 रुपए एक्स्ट्रा गया, तो परिसंपत्तियों में कमी हुई, ठीक है। तो सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय, क्योंकि जो 10,000 रुपए लिया, भले ही उधार लिया अपने दोस्त से, 50,000 की टीवी लेनी थी, 40,000 रुपए था जेब में, 10,000 रुपए दोस्त से उधार लिया, तो वर्तमान में तो आपके जेब में आया पैसा पूरा का पूरा, 50,000 रुपए आप ही के पास है, आप ही की प्राप्तियां हैं। अब अगले एक महीने तक आप उसे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति टीवी खरीदने के लिए गया है वो है सरकार, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। तो टीवी खरीद रहे हैं, 10,000 रुपए लिए, एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे 1,000 रुपए, 11,000 रुपए लौटाने का वादा किया। तो सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हुई, पैसा लिया तो लौटाना पड़ेगा, और परिसंपत्तियों में कमी हुई, एक्स्ट्रा राशि ब्याज के साथ लौटा रहे, तो यह कहलाता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,04,025 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां हुई, राजस्व प्राप्ति हुई सरकार को 89,073, ठीक है, 89 को कितना बोलेंगे, 79, ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा 89, 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा सा उसको लेके मेरे कंफ्यूजन रहता है ना, अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा या इंग्लिश में समझ लीजिएगा। 79,79,073 करोड़ रुपए ये सरकार को राजस्व प्राप्ति हुई, ठीक है, ये सरकार को राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि पूंजीगत प्राप्ति हुई सरकार को 14,927 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्ति कितनी हुई? 79,073 करोड़ रुपए, यानी कि 89,073 करोड़ रुपीज, और आपके पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई? 14,927 करोड़ रुपए, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो सरकार की कुल प्राप्तियां होती है।
राजस्व प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, समझ में आ गया ना। अब देखिए ये जो राजस्व प्राप्ति है ना, इस राजस्व प्राप्ति को आगे और क्लासिफाइड किया जाता है, इस राजस्व प्राप्ति को आगे और क्लासिफाइड किया जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, राजस्व प्राप्ति आगे दो पार्ट में और इसे हम क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है कर राजस्व और दूसरा होता है गैर कर राजस्व। नाम से ही स्पष्ट है, कर राजस्व गैर कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि नाम से स्पष्ट है कर राजस्व, सरकार को जो करों से, जो टैक्स के माध्यम से जो सरकार को जो पैसे मिलते हैं, ये कहलाती है आपकी कर राजस्व। गैर कर राजस्व, टैक्स के अलावा, करों के अलावा सरकार को अन्य स्रोतों से जो इनकम होती है वो कहलाता है आपका गैर कर राजस्व। ठीक है, सरकार को जो टैक्स से, जो करों के माध्यम से जो सरकार को जो राशि मिलती है करों के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, वो कहलाता है कर राजस्व। गैर कर राजस्व, करों के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार को जो इनकम होती है वो कहलाता है आपका गैर कर राजस्व। सरकार, देखिए सरकार जो अलग अलग तरीके की जो टैक्स लगाती है, जैसे कि अगर हम बात करें, सरकार निगम टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, निगम टैक्स, इनकम टैक्स यानी कि आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, अलग अलग टैक्स नागरिकों के ऊपर लगाती है, नागरिकों के ऊपर, उद्योगों के ऊपर लगाती है, तो उस टैक्स से सरकार को जो इनकम होती है वो क्या कहलाता है, कर राजस्व। ठीक है, गैर कर राजस्व यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्याज प्राप्ति है, लाभांश अनुदान, ब्याज प्राप्तियां यानी कि सरकार जो लोन वितरित करती है, जैसे कि किसानों को अल्पकालीन ऋण तो सरकार 0% ब्याज दर पर देती है, लेकिन आपके मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण जो बड़े किसानों को मिल देती है उसमें 2% 3% ब्याज वसूलती है। तो सरकार ने जो आपके पैसे वितरित किए हैं उससे जो सरकार को जो ब्याज मिलता है वो ब्याज से प्राप्त होने वाला लाभांश, ठीक है, सरकार ने कहीं निवेश करके रखा हुआ है अपने पैसों को तो उससे जो ब्याज मिल रहा है वो लाभांश, अनुदान जो केंद्र सरकार समय समय पर अनुदान देती है, या किसी आपके अंतरराष्ट्रीय, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था में जैसे विश्व बैंक के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के द्वारा आपका अनुदान दिया जाता है। अनुदान और उधार यानी कि लोन, दोनों में अंतर होता है। लोन क्या होता है, जब कोई पैसा आपको दिया गया उस पैसे को आपको वापस लौटाना है तो वो कहलाएगा ब्याज के साथ, तो वो कहलाएगा आपका लोन, ऋण। अनुदान का क्या होता है, जब किसी सामने वाले ने आपको पैसा दिया और उस पैसे को आपको लौटाना नहीं है तो वो कहलाएगा आपका अनुदान। ठीक है, तो अनुदान से प्राप्त राशि। ठीक, अब देखिए कर राजस्व, सरकार जो नागरिकों पर टैक्स लगाती है और टैक्स के माध्यम से जो पैसे वसूलती है, तो सरकार को ये पैसा, ध्यान दीजिएगा, ये किसके अंतर्गत है, ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत। सरकार ने नागरिकों पर टैक्स लगाया, टैक्स से उसने अपने पूरे की पूरी रेवेन्यू कलेक्ट की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सरकार को कर राजस्व के रूप में 56,823 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई वित्तीय वर्ष 2022-23 में। सरकार को कर राजस्व के रूप में टैक्स के तौर पर, टैक्स वसूल करके सरकार को 56,823 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जबकि गैर कर राजस्व के रूप में सरकार को 32,250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, यानी कि ब्याज प्राप्ति, आपका अनुदान, ठीक है, निवेशों से प्राप्त लाभांश, ये सभी एग्जाम्पल है। करों के अलावा सरकार को जो इनकम हुई ये गैर कर राजस्व, सरकार को करों के माध्यम से 56,823 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसमें ये जो आपके कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 7.55% की वृद्धि दर्ज की गई, 7.55% की कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सरकार के इस कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है, इसको समझना। जैसे कि हमने यहां पे देखा निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, ये जो आपका कर राजस्व है ना, कर राजस्व को आगे और क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ऐसा कर जो कि लगाती तो केंद्र सरकार है और वसूलती राज्य सरकार है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर, ऐसा कर जिसे लगाती राज्य सरकार है, वसूलती भी राज्य सरकार है, यह कहलाता है आपका प्रत्यक्ष कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ये ऐसे कर है जिसे लगाती केंद्र सरकार है, वसूलती राज्य सरकार है। ठीक है, वसूलने के बाद वो केंद्र सरकार को देती है, बाद में जो है वित्त आयोग के द्वारा ये राशि का बंटवारा कर दिया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रत्यक्ष कर, ऐसा कर जो कि लगाती राज्य सरकार है और वसूलती भी राज्य सरकार है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं है, आपको बताता हूँ। एक होता है आपका भू राजस्व कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण। एक होता है आपका भू राजस्व कर, भू राजस्व कर। दूसरा होता है विद्युत शुल्क, बिजली का जो शुल्क देते हैं विद्युत शुल्क, ठीक है। एक होता है आपका पूंजी कर, पूंजी कर, ये आपके प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ठीक है। बिक्री कर, बिक्री कर, ये सभी के सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ये ऐसे टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, जो कि लगाती तो राज्य सरकार है और वसूलती भी राज्य सरकार है, ये प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, लगाती केंद्र सरकार है, वसूलती राज्य सरकार है, ठीक है। तो ये उदाहरण है आपके कर राजस्व के। तो कर राजस्व के रूप में सरकार को 56,823 करोड़ रुपए की राशि हुई, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आपका 7.55% की वृद्धि दर्ज की गई। अगर हम बात करें कि इस कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो रहा, ये राज्य के स्वयं का कर राजस्व का योगदान रहा, राज्य के स्वयं के कर राजस्व का, यानी कि जो कर स्वयं राज्य सरकार लगाती है, ऐसे कर जो स्वयं राज्य सरकार लगाती है और वसूलती भी राज्य सरकार है, ये क्या कहलाएगा, राज्य के स्वयं का कर राजस्व। छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने ही वसूला। तो बात वही हो रही है कि जो 56,823 करोड़ रुपए में से सर्वाधिक जो हिस्सेदारी है, सर्वाधिक जो योगदान है, वो राज्य के स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त हुआ है। 51.04% 56,823 करोड़ रुपए में से 51.04% हिस्सा राज्य के स्वयं के कर राजस्व का है। वर्ड पर ध्यान देना, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ये पूरे वर्ल्ड ही घुमा देता है। दूसरा होता है आपका गैर कर राजस्व, करों के अलावा सरकार की जो इनकम होती है वो है आपका 32,250 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.53% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। इस गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान केंद्र से प्राप्त अनुदान है, केंद्र से प्राप्त यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, ब्याज प्राप्ति, यानी कि सरकार जो ऋण देती है उसके बदले में ब्याज मिलता है। लाभांश, सरकार ने कहीं निवेश किया हुआ पैसा तो उससे जो लाभांश मिलेगा। अनुदान, केंद्र सरकार अनुदान देती है। दूसरा, आपके अंतरराष्ट्रीय संस्था अनुदान देती है, विश्व बैंक जैसे आपके किसी कुपोषण से निपटने के लिए अनुदान दे रहा है। तो इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कर राजस्व रहा 32,250 करोड़ रुपए, जिसमें सर्वाधिक योगदान आधे से ज्यादा 51.94% जो है योगदान रहा किसका, केंद्रीय अनुदान का, केंद्रीय केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त हुआ उसकी बात हो रही है, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति है, मैंने क्या बताया, ऐसी आय सरकार को प्राप्त होने वाली, ऐसी आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आता है आपका उधार, उधार व ऋण, ध्यान समझना। जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार आपका किसानों से, किसानों को जो है, जैसे केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के विपरीत प्रदेश सरकार 2500 रुपए क्विंटल की दर से धान की खरीदी करती है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2040 रुपए 2060 रुपए निर्धारित है, और प्रदेश सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करना चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के जेब में पैसा नहीं है। उसने जनता से वादा तो कर दिया कि हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, लेकिन जो अतिरिक्त राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान तो केंद्र सरकार कर देगी, लेकिन जो अतिरिक्त राशि है 2500 रुपए को पूरा करने के लिए, वो राशि देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार आरबीआई से जाकर के ऋण लेगी, क्या लेगी, ऋण। और आरबीआई, आरबीआई जो है इसने छत्तीसगढ़ सरकार को ऋण दे दिया, और ये आरबीआई ने जो ऋण दिया वो छत्तीसगढ़ सरकार के किसमें आया, खजाने में आया, छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में आया। भले ही यह उधार का पैसा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में आया, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार की क्या हुई, पूंजीगत प्राप्तियां हुई। इस पैसे को आरबीआई को लौटाना है, वो भी ब्याज के साथ लौटाना है। तो इसमें क्या हो रहा है, पैसे लौटाना है, यानी कि वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हुई, लेन देन बढ़ेगा, और परिसंपत्तियों में कमी हुई, ब्याज के साथ लौटाना है, तो यह कहलाता है आपका पूंजीगत प्राप्ति। तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो पूंजीगत प्राप्ति थी वो थी आपके 14,927 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कुल व्यय, छत्तीसगढ़ सरकार का कुल व्यय रहा 104,003 करोड़ रुपए, जिसमें एक है आपका राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। मैंने आपको तीन वर्ड बताया था, एक बताया था आपका वित्तीय देनदारियां,
दूसरा बताया था आपका, दूसरा बताया था आपकी परिसंपत्ति, और तीसरा बताया था उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक, अब देखिए ध्यान समझना, तीसरा जो वर्ड था आपका उत्पादन, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, ठीक है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। अब ये होता क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार, एक तो वित्तीय देनदार यानी कि पैसे का लेन देन, परिसंपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी या एसेट। ठीक है, परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है, परिसंपत्ति का मतलब होता है आपका प्रॉपर्टी या फिर आपका एसेट। ठीक, तो जो आपकी संपत्ति है उस संपत्ति के ऊपर में आपने अगर बिल्डिंग बना लिया, उसके ऊपर आपने एक इमारत ताना, तो उस इमारत को जो है आपने उसमें टोटल 10 बिल्डिंग बना लिया और 10ों की 10ों बिल्डिंग को आपने रेंट पे, किराए पे चढ़ा दिया। तो जैसे ही आपने किराए पे चढ़ाया तो उससे आपको किराया मिलने लगा, रेंट मिलने लगा, राजस्व रेवेन्यू मिलने लगा। तो जो आपकी जमीन है वो जमीन जहां की वही है, वो परिसंपत्ति है, लेकिन उसके ऊपर जो आपने बिल्डिंग बनाया, उसके ऊपर जो आपने बिल्डिंग ताना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपकी उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, आपकी उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। क्यों? क्योंकि वो आपको उत्पादन करके दे रही है, पैसा जनरेट करके दे रही है। तो जो आपका राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। ठीक है, पूंजीगत सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, इसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता और इसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। ध्यान समझना, देखिए मैंने आपको क्या बताया, परिसंपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि एसेट। आपके पास एक जमीन है, एक आपके जमीन का टुकड़ा है, लैंड एरिया है, उस वो लैंड एरिया आपकी परिसंपत्ति हो गई। उसके ऊपर आपने बिल्डिंग तान दिया जिसमें 10 कमरे बना दिए और 10ों के 10ों कमरे आपने रेंट में चढ़ा दिए, किराए पे चढ़ा दिया। तो वो जो आपका रेंट है, रेंट क्या है, उत्पाद है, यानी कि वो जमीन आपकी परिसंपत्ति आपको उत्पादन करके दे रही है, तो ये कहलाता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। तो सरकार ऐसे खर्च कर रही है जिसमें सरकार की कोई भी उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं हो रहा। सरकार खर्च तो कर रही है लेकिन उस खर्च के एवज में सरकार को किसी प्रकार का कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें किसी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, पूंजीगत व्यय सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। अब ध्यान समझना, राजस्व व्यय सरकार को 88,372 करोड़ रुपए, 88,372 करोड़ रुपए ये राजस्व व्यय हुआ, जबकि सरकार को जो पूंजीगत व्यय है ये हुआ 15,240 करोड़ रुपए। ठीक है, 15,240 करोड़ रुपए। अब ये राजस्व व्यय डेफिनेशन से अगर समझ में नहीं आया तो आपको कुछ एग्जांपल देता हूं उसको समझना। जैसे कि मान लीजिए सरकार जो है हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर वो खर्च करती है, पैसे खर्च करती है, कहीं पे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, ठीक है, कहीं पर जो है साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चला रही है, कुपोषण दर को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चला रही है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चला रही है। तो इसमें सरकार के क्या हो रहे, पैसे खर्च हो रहे, पैसे खर्च हो रहे, लेकिन पैसा जो एक बार गया वो वापस आएगा क्या सरकार के पास? नहीं आएगा। सरकार बस खर्च कर रही है और सरकार ने जहां पैसा खर्च किया वो पैसा वहीं पे खत्म। किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके विपरीत यह है पूंजीगत व्यय, ऐसा सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। जैसे कि मान लीजिए सरकार के पास एक खाली पड़ी हुई शासकीय भूमि, गवर्नमेंट लैंड एरिया था, सरकार ने उस खाली पड़ी हुई जमीन के ऊपर एक ताप विद्युत संयंत्र बना दिया, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बना दिया। अब उस थर्मल पावर प्लांट से सरकार ने विद्युत बिजली का उत्पादन किया, इस बिजली का उपयोग सरकार नागरिकों को बेच करके भी बिजली बिल के जरिए अपना पैसा वसूल रही है, इसके अलावा अन्य राज्यों को भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जो सरप्लस बिजली का उत्पादन करता है, अन्य राज्यों को भी बिजली बेच करके पैसा वसूल रही है, ठीक है, पैसे ले रही है। तो सरकार ने क्या किया,
सरकार के पास जो परिसंपत्ति थी लैंड एरिया, उसके ऊपर निवेश करके उसने एक ताप विद्युत संयंत्र बनाया, ताप विद्युत संयंत्र से बिजली का उत्पादन करके नागरिकों को बेचा, अन्य राज्यों को भी बेचा, सरकार को एक्स्ट्रा इनकम की जनरेट, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ। तो ये कहलाता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन। सरकार जो व्यय करती है, जो निवेश करती है, ठीक है, और उससे इन फ्यूचर अगर उससे पैसा मिलने वाला होगा तो वो कहलाएगा पूंजीगत व्यय। जैसे कि मान लीजिए सरकार के पास एक लैंड एरिया, सरकार ने उस लैंड एरिया को लीज पे दे दिया, यानी कि पट्टे पर दे दिया, सरकार के पास खाली पड़ी जमीन थी, परिसंपत्ति तो ही है, लेकिन उसे किसी किसी एक उद्योग को वहां पे प्लांट स्थापित करने के लिए उसे जो है लीज पर दे दिया, पट्टे पर दे दिया अगले 30 साल के लिए, उसके एवज में वो सरकार को क्या दे रहा है, किराया दे रहा है। तो सरकार की जमीन जहां की वही है, लेकिन सरकार को उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो निवेश किया जाता है, जो पैसे लगाए जाते हैं, प्लस जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है, भूमि अधिग्रहण अधिग्रहण, ठीक है, ये सभी का सभी जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। ठीक, जैसे कि इसे अगर हम करेंगे तो दो आगे दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय यानी कि सरकार योजना बना करके व्यय करती है, गैर योजनागत व्यय यानी कि सरकार बिना किसी योजना के व्यय करती है। सरकार के ऐसे खर्चे जो कि सरकार को पता है कि इन इन क्षेत्रों में खर्चे होने वाले हैं, योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय सरकार को पता ही नहीं है कि ये खर्चे होने भी वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि सरकार योजना चला रही है, सरकार योजना चला रही है, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रहा है जिसमें गैस सिलेंडर बांटे जाने हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया जा रहा है, ठीक है, गौधन न्याय योजना चलाया जा रहा है, गौठानों का निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है, रीपा योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री मितान योजना चलाया जा रहा है। तो सरकार के पास योजना है और उस योजना से जुड़े हुए पंजीकृत लोगों की संख्या भी है। सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा है कि हर एक योजना में कितने लोग जुड़े हुए हैं और उसके और उस आंकड़ों के आधार पर सरकार को पता है कि इतनी इतनी राशि इन इन योजनाओं में खर्च होनी है। तो सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार को पता है कि उनकी राशि कहां कहां किन किन क्षेत्रों में खर्चे होने वाले हैं। तो वो आता है आपके योजनागत व्यय के अंतर्गत। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, साक्षरता कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये सभी सभी योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। गैर योजनागत व्यय सरकार को पता ही नहीं कि उसकी राशि इन क्षेत्रों में भी खर्च हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ब्याज अदायगी, जैसे कि आरबीआई से सरकार ने ऋण लिया उधार लिया था, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक जो नीति है वो हमेशा चेंज होते रहती है, जिसके कारण जो है टैक्स का परसेंटेज, ब्याज का इंटरेस्ट रेट जो है ये भी बदलते रहता है। ठीक है, कभी कम हो जाएगा तो कभी ज्यादा हो जाएगा। तो ब्याज में कितनी राशि जाएगी ये डिपेंड करती है परसेंटेज के ऊपर, सरकार को पता नहीं कि कभी परसेंट बढ़ गया कि कभी कम हो गया। ठीक है, सब्सिडी, सरकार जो किसानों को सब्सिडी देती है, उर्वरक यूज करने में सब्सिडी देती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडरों के ऊपर सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाओं का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, क्योंकि बजट केंद्र भी लाती है, राज्य भी लाती है। तो सरकार जो है, अब जैसे मान लीजिए सिलेंडर का रेट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, घटता तो कभी नहीं है, बढ़ते ही रहता है सिलेंडर का रेट, आए दिन बढ़ते रहता है। तो कब रेट बढ़ जाएगा सरकार को पता नहीं, तो सब्सिडी में ज्यादा राशि देनी पड़ती है। वैसे ही किसान को जो है उर्वरक, किसानों को उर्वरकों में सब्सिडी देती है, अब उर्वरकों के रेट का ही पता नहीं, किसी खेत किस साल फसलों की पैदावार कितनी हो रही है उसके आधार पर उर्वरकों में सब्सिडी देगी प्रदेश सरकार। वैसे ही सेवा प्रतिरक्षा, सेवा प्रतिरक्षा नेशनल, अगर हम इसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ना लेकर के अगर इसे हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ले, जैसे कि मान लीजिए भारत और चाइना के मध्य काफी एकदम जो है उनमें झड़प की स्थिति बन गई, इंडिया चाइना बॉर्डर में झड़प की स्थिति बन गई, तो हमारी केंद्र सरकार ये नहीं देखेगी कि इनमें खर्च कितना होना है। केंद्र सरकार क्या करेगी, एक आर्मी की जो आपकी टुकड़ी है उसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे भेज देगी। तो जो आपके आर्मी की टुकड़ी को इंडिया चाइना बॉर्डर भेजा गया, तो उनको वहां पर भेजने का खर्च, उनको रखने का खर्च, उनके खाने का खर्च, उनके पीने का खर्च, ये सभी कौन लेवल ले, ये सभी किसके ऊपर आएगा, सरकार के ऊपर। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हो रहा है, ये सरकार को पहले से पता था क्या? नहीं पता था, ये अचानक उत्पन्न हुई आपकी कोई प्रतिक्रिया थी। तो सरकार जो है ये जो प्रतिरक्षा सेवा में जो अचानक खर्च करती है, ये सरकार के आपके गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत है। आपातकालीन सेवा, जैसे कि कोरोना वायरस का काल आ गया, सरकार को पता था क्या? सरकार अपने बजट में पहले से लिख करके बता दी थी कि कोरोना आने वाला है, हम इतना इतना खर्च करेंगे, नहीं। तो सरकार जो है जब आपातकालीन सेवाओं में जब खर्च करती है, तो खर्च करने के समय देखती नहीं कि कहां कितना खर्च होता है, उनका पहला टारगेट रहता है कि सामने आने वाली समस्या से निपटा जाए। जब अचानक से किसी राज्य के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया,
किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया तो उस क्षेत्र में होने वाले जो खर्च है वो आपके इस गैर योजनागत व्यय के अंदर बताते हैं, ठीक है। बाकी पूंजीगत व्यय, सरकार ने कहीं अपने पैसे को निवेश करके रखा है, ठीक है, जिससे इन फ्यूचर सरकार को उससे लाभ मिलेगा, पैसा वापस आएगा, ठीक। भूमि अधिग्रहण करके रखा है, भूमि अधिग्रहित करके उसके ऊपर आपका प्लांट बना दिया, जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी जमीन थी, उस जमीन को भूमि अधिग्रहण कर लिया, उसमें मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र बनाया, उससे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, आसपास के नागरिकों को दे रहे हैं और साथों साथ आपके तेलंगाना सरकार और महाराष्ट्र सरकार को बिजली बेच रहे हैं। तो ये कहलाता है सरकार के द्वारा किया जाने वाला निवेश जो कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुल प्राप्तियां कितनी रही, 1,04,025 करोड़ रुपए, कुल व्यय रहा 1,04,003 करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्ति रही आपके 79,073 करोड़ रुपए, 89,073 करोड़ रुपीस, और आपके पूंजीगत प्राप्तियां रही आपकी 14,927 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व के रूप में 56,823 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.55% की वृद्धि दर्ज की गई और इसमें सर्वाधिक योगदान राज्यों के स्वयं के कर राजस्व का था 51.04%। ये सभी परसेंटेज को याद करते हुए चलिए, एग्जाम में जो है कुछ ऐसे ही डाटा पूछ रहा है। गैर कर राजस्व के रूप में आपको 32,250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.53% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें सर्वाधिक योगदान केंद्रों से प्राप्त अनुदान करा है, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार को जो राजस्व व्यय हुआ यह हुआ आपका 88,372 करोड़ रुपए का, और आपकी पूंजीगत व्यय रहा 15,240 करोड़ रुपए का, ठीक। चलिए अब जो हमारा शुरू में बचा हुआ था उसको हम देख लेते हैं। इसमें हम केवल राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को देखेंगे, इसमें हम पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय को नहीं देखेंगे, क्योंकि राजस्व प्राप्ति क्या होती है, जो सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी है जिसमें वित्तीय देनदारियों में ना तो वृद्धि होती है ना ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसमें सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा होता है कि वो किन किन क्षेत्रों में कितने कितने खर्च करने वाले हैं, यानी कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार के उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। तो ये जो है आपके सरकार को होने वाली शुद्ध आय है और सरकार को होने वाले शुद्ध व्यय, ठीक है। राजस्व प्राप्ति, सरकार को जो है आपके राजस्व प्राप्ति कितना हुआ, 89,073.25 करोड़ रुपीस, यानी कि 79 बोलेंगे या 89 बोलेंगे देख लीजिएगा, ठीक है, 89,073.25 करोड़ रुपीस, जबकि राजस्व व्यय रहा आपका 83,027.55 करोड़ रुपए। सरकार की जो आपका सरकार का राजस्व प्राप्तियों में अनुमानित वृद्धि, यानी कि जो राजस्व प्राप्ति है, इस राजस्व प्राप्ति में अनुमानित वृद्धि रही आपके 6.06%। प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार के राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई, 6.06% की। राजस्व व्यय रहा 83,027.55 करोड़ रुपए। अगर देखिए प्राप्तियां और यह है व्यय, यहाँ पे प्राप्तियां ज्यादा है और व्यय कम है, यानी कि जो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 701.64 करोड़ रुपए। ये क्या है, ये राजस्व आधिक्य है। अगर यहीं पर अगर ये डाटा अगर माइनस में आता, यानी कि सरकार खर्च ज्यादा कर रही है और सरकार की कमाई कम है, और यहां पर अगर आंकड़ा माइनस में आता तो ये राजस्व आधिक्य ना होकर के राजस्व घाटा कहलाता, ठीक है। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 इसको थोड़ा सा इसको याद रखना ना, सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है उसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत का अनुमानित वृद्धि दर्ज किया गया है, 6.06%। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की राजस्व प्राप्ति कितनी है, 89,073 करोड़ रुपीज, जिसमें कर राजस्व सरकार को जो है इन राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व के रूप में 56,823 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जबकि गैर कर राजस्व के रूप में 32,250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसे हम पहले देख चुके हैं, इसके पहले जो हमने फ्लो डायग्राम देखा था उसमें। राजस्व प्राप्ति, ये जो कर राजस्व है, कर राजस्व का राजस्व प्राप्तियों में योगदान, कर राजस्व का राजस्व प्राप्तियों में योगदान कितना है, 63.79%, ठीक है, 63.79%। यानी कि 89,073 करोड़ रुपीज में से सर्वाधिक हिस्सेदारी कर राजस्व की है, कितना, लगभग आपके 63%, 63.79% की भागीदारी, जबकि जो बचा हुआ भागीदारी है वो किसका है, वो गैर कर राजस्व का है। प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार को हुई राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो याद रखिएगा 63.79%। केंद्रीय करों से जैसे कि मैंने बताया
जो आपका कर राजस्व है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। जो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लगाती केंद्र सरकार है, वसूलती राज्य सरकार है। डायरेक्ट टैक्स एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, जिसे लगाती राज्य सरकार है, वसूलती भी राज्य सरकार है। तो केंद्रीय करों का ये जो आपका कर राजस्व के रूप में 56,823 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, उसमें केंद्रीय करों का अंश था 27,823 करोड़ रुपए। देखिए इस लोक वित्त वाले चैप्टर पे से ना कर राजस्व गैर कर राजस्व इससे एकदम डीप में जाकर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सरकार के कर राजस्व में केंद्रीय करों का अंश कितना है, 27,823 करोड़ रुपए, कितना प्रतिशत है, 48.96%। यानी कि सरकार का जो कर राजस्व है वो है 56,823 करोड़ रुपए। इस 56,823 करोड़ रुपए में 48.96% की जो भागीदारी है ये केंद्रीय करों से राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। जबकि स्वयं का अगर हम बात करें तो स्वयं के करों से कितना अंश प्राप्त हुआ है, 29,000 करोड़ रुपए। 29,000 करोड़ रुपए यानी कि 51.04% इससे ज्यादा है, ठीक है। इससे क्या है, इससे ज्यादा है। यानी कि सरकार की जो कर राजस्व है 56,823 करोड़ रुपए, उसमें सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो राज्य के स्वयं की करों की है, आधे से ज्यादा, 51.04%। जिसमें पिछले देखिए सरकार के करों से प्राप्त राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.84% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि स्वयं के करों से प्राप्त आपके राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.45% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से यह आंकड़ा आपसे एग्जाम में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे यह आंकड़ा पूछेगा एग्जाम में, यह आंकड़ा पूछेगा, ये आपका डाटा पूछेगा, ये डाटा पूछेगा और ये डाटा पूछेगा, ठीक है। इन पर मेन फोकस करना, ठीक। नेक्स्ट देखिए गैर कर राजस्व, सरकार को गैर कर राजस्व के रूप में 32,250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से जो सर्वाधिक हिस्सेदारी थी वो केंद्रीय सहायता थी। केंद्रीय अंश कितना रहा, 16,750 करोड़ रुपए, जिसमें गैर कर राजस्व जो 32,250 करोड़ रुपए है उसमें से 51.94% भागीदारी आपकी किसकी है, केंद्रीय सहायता की है, यानी केंद्रीय अनुदान की है, ठीक है, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 0.60% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए राज्य के स्वयं का राजस्व घटा, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व की बात हो रही है, लेकिन कर राजस्व और गैर कर राजस्व में राज्य के स्वयं का यानी कि जो लगाती टैक्स आपका, देखिए जो करों में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है, जैसे कि अगर हम बात करें आपके इनडायरेक्ट टैक्स की, लगाती केंद्र सरकार है, वसूलती राज्य सरकार है, लेकिन बाद में केंद्र सरकार राज्यों को कुछ आपके उस टैक्स में से कुछ हिस्सेदारी देती है वित्त आयोग के माध्यम से। तो राज्य के स्वयं का राजस्व घटक यानी कि अलग अलग क्षेत्र में जो सरकार टैक्स लगा रही है उसमें से सर्वाधिक हिस्सेदारी किस टैक्स की है, इसमें हम कर राजस्व की बात करेंगे, टैक्स रेवेन्यू की, और कर भिन्न राजस्व यानी कि गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे। हमने देखा था टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत निगम कर आता है, कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, व्हीकल टैक्स, लैंड रेवेन्यू आते हैं। तो कर राजस्व में सरकार को 2022-23 में सर्वाधिक राशि निगम कर के रूप में प्राप्त हुई, ठीक है। सर्वाधिक राशि की सर्वाधिक किससे प्राप्त हुई, प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से राज्य के स्वयं के राजस्व घटक में कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर का रहा, निगम कर का, या आपके एक्साइज कर का, या विद्युत शुल्क का, या आपके स्टाम्प रजिस्ट्रेशन का, या फिर आपका व्हीकल शुल्क का, या भू राजस्व का, ऐसे करके आपसे ऑप्शन देगा। तो टैक्स रेवेन्यू में कर राजस्व में सरकार को जो है सर्वाधिक जो राशि प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है कमर्शियल टैक्स के रूप में, जबकि गैर कर राजस्व में मिनरल और माइनिंग के रूप में सर्वाधिक राशि प्राप्त हुई है, ठीक है। इसको बस आपको याद रखना है, वैसे तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा कि कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है आपके किसका है, निगम कर का है। कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान निगम कर का है, गैर कर राजस्व में मिनरल्स और माइनिंग का योगदान है, ठीक। तो यहां पर समाप्त होता है आपका अध्याय 5 लोक वित्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।